इस वीडियो से हम क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी का अभ्यास करना चालू करने वाले हैं। ये क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब मैं आपको एक स्टोरी की मदद से समझाऊंगा। ठीक है, अब हमारे स्टोरी में वो सेंडर है और वो सेंडर का कंप्यूटर है, और ये रिसीवर है और ये रिसीवर का कंप्यूटर है, राइट। अब सेंडर को ना रिसीवर को लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मैसेज सेंड करना है, जो कि वो कैसे सेंड करेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटरनेट के थ्रू सेंड करेगा। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट इज अ वेरी अनसेफ प्लेस, इंटरनेट इज वेरी डेंजरस प्लेस। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मान लिया कि आपके जैसे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, बट इंटरनेट के ऊपर अटैकर्स भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर हैकर्स भी होते हैं, और अगर अटैकर्स ने उस मैसेज के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर अटैकर्स वो मैसेज पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा सेंडर नहीं चाहता। सेंडर ये चाहता है कि जो भी मैसेज वो सेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही पढ़ पाए और उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, अब सेंडर का ये जो गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए सेंडर क्या कर सकता है, ऐसा करने के लिए सेंडर क्या करेगा, ऐसा करने के लिए सेंडर जो भी मैसेज उसको सेंड करना है उस मैसेज को सेंड करने से पहले उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा। उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा का मतलब यह है कि वो उस मैसेज को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म को एक इंसान समझ नहीं सकता, उस फॉर्म को एक कंप्यूटर ही समझ सकता है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि अगर सपोज बीच में किसी अटैकर ने उस मैसेज के ऊपर अटैक भी कर लिया या उस मैसेज को उठा भी लिया तो भी अटैकर उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा, राइट। तो मैसेज को एनक्रिप्ट करने का मतलब ये होता है। तो अभी यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंडर को एक मैसेज सेंड करना है, जो भी मैसेज सेंडर को सेंड करना होता है उस मैसेज को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी सेंड करने से पहले वो सेंडर उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा विद सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, और एनक्रिप्ट करने के बाद वो मैसेज बन जाएगा एक एनक्रिप्टेड मैसेज, जिसको तुम साइफर टेक्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनक्रिप्शन, राइट। तो अभी जब ये मैसेज एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये एनक्रिप्टेड मैसेज ट्रैवल करेगा फ्रॉम सेंडर्स कंप्यूटर टू रिसीवर्स कंप्यूटर वाया इंटरनेट, ओके, विच इज एन इनसिक्योर चैनल, ओके। और इंटरनेट यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर कोई भी डेटा या कोई भी मैसेज तुम्हारे कंप्यूटर से बाहर जाता है किसी दूसरे कंप्यूटर पे, तो ये जो बीच में का रास्ता होता है तो वो कोई भी रास्ता होने दो, वो एक इनसिक्योर चैनल ही होता है, चाहे वो इंटरनेट होने दो या और कोई भी होने दो। तो इसलिए इंटरनेट यहाँ पे एज एन एग्जांपल लिया गया है। तो अब जब ये एनक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा तब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिसीवर भी उस एनक्रिप्टेड मैसेज को तो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस एनक्रिप्टेड मैसेज को एक इंसान तो पढ़ ही नहीं सकता, उसको तो बस एक कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो ताकि रिसीवर उस एनक्रिप्टेड मैसेज को समझ पाए, इसके वजह से जो रिसीवर का कंप्यूटर है वो उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा विद एन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब ये डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, उसका टेंशन आप मत लो। अगर हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की भी बात की जाए की तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उन कोई भी चीज़ों का आप टेंशन मत लो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे इस एनक्रिप्टेड मैसेज को जो रिसीवर का कंप्यूटर है वो डिक्रिप्ट करेगा, और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद वो एनक्रिप्टेड मैसेज एक नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सेंडर ने सेंड किया था, और फिर फाइनली रिसीवर उस मैसेज को पढ़ पाएगा या रीड कर पाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। एंड बाय द वे इस प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन कहते हैं, जैसे हमने इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहा था वैसे। अब आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो भी कहानी हमने समझी, इस कहानी को अगर हमने ऊपर ऊपर से देखा तो हमने इस कहानी के अंदर क्या किया, हमने इस कहानी के अंदर जो भी डेटा हम उधर से इधर सेंड कर रहे थे उस डेटा को हाइड किया, और यही क्रिप्टोग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ हाइडिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक। अब ये टेक्निक कोई भी टेक्निक हो सकती है, अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स होते हैं, और उन्हीं सारे के सारे टेक्निक्स का अभ्यास हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये आपको समझ गया, राइट। अब हम ये समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। देखो, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम इन सारे के सारे टेक्निक्स को तो पढ़ने ही वाले हैं, बट उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि अगर सपोज हमें डेटा उधर से उधर इधर सेंड करना है तो उस डेटा को हमें हाइड करना पड़ता है। तो क्यों हाइड करना पड़ता है, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उस डेटा को अटैकर्स के अटैक से सिक्योर कर सके, राइट।
तो अभी जो अटैकर है वो कौन से अटैक्स उस डेटा के ऊपर कर सकता है, उन सारे के सारे अटैक्स का डिटेल में अभ्यास हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाला है। और अगर उन अटैक्स में से कोई अटैक इस डेटा के ऊपर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और हम इस सब्जेक्ट के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं कि उन अटैक से हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो अटैक्स हम पे या हमारे मैसेजेस के ऊपर जो हम सेंड कर रहे हैं या हमारे डेटा के ऊपर हो ही ना। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं और इस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी भी मिलने वाली है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल टॉपिक्स को कंसिडर किया तो नोट्स में आपको हर एक टॉपिक के इनफ नंबर ऑफ सॉल्व न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और अगर आपने थ्योरी टॉपिक्स को कंसिडर किया तो हर एक टॉपिक की एक प्रॉपर थ्योरी नोट्स में मेंशन है। और इन सारी की सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लिख कर बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करके अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स परचेस कीजिए और इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।